Welcome dear students, today we are going to start SST RBSC board. SST का जो chapter first है वह है Glorious India के नाम से है, और Glorious India क्या है? Glorious India जो है वो अपने ancient India जो है प्राचीन भारत उसको ही नया नाम दिया गया है Glorious India. क्योंकि Glorious India क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय जो अपनी जो civilization थी, जो भारत के लोगों की जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, बहुत ही प्रेस्टियस एंड ग्लोरियस थी. कैसे, उस समय जो इंडिया जो था वह क्या कहलाता था, द गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था और द वर्ल्ड लीडर के नाम से भी अपन इंडिया को जानते थे. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने रीड किया. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जो कल्चर थी उस समय इंडिया की, वहाँ पर बहुत ही वेल मैनेजमेंट वहाँ पर था उस सिविलाइजेशन में, और जो जितने भी सिटीज वगैरह जो थे, जो महानगर थे, वो एकदम बढ़िया व्यवस्था में बसे हुए थे. यहाँ की जो रोड्स थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर वो रोड्स जो बनी हुई थी ना वहाँ पर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में, वहाँ की रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी और दोनों तरफ उनके ऊपर नालियां भी बनी हुई होती थी. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, रामायण, महाभारत और महाजनपद, इनका जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को ही ग्लोरियस इंडिया कहते हैं. कौन से टाइम पीरियड को ग्लोरियस इंडिया कहते हैं अपन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और रामायण एंड महाभारत सिविलाइजेशन एंड महाजनपदाज सिविलाइजेशन, इन सभी को अपन क्या कहते हैं, ग्लोरियस इंडिया कहते हैं. अब आप लोगों को जिज्ञासा तो हो ही गई होगी कि उस टाइम को ग्लोरियस क्यों कहते हैं, उस समय क्या था, तो यह बात इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि वहां पर क्या था. तो जो महाजनपदाज का जो टाइम है या एंशियंट इंडिया जो था उस समय क्या था, जो भी समुद्र से इंडिया जो है तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र से अलग जो देश थे उनको क्या कहा जाता था, दीपांतरण. क्या कहा जाता था भाई, क्या कहा जाता, दीपांतर कहा जाता था. क्या कहा जाता था, दीपांतर कहा जाता था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया. ठीक है, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूं कि इसमें ग्लोरियस इंडिया में कौन कौन सी चीज शामिल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कब से चालू हुई, 2350 से 1750 तक का जो काल है, 1750 और 2350 के ये जो काल है, बिफोर क्राइस्ट इसको कहते हैं ईशा पूर्व, हिंदी में ईशा से पहले क्या जो ये टाइम पीरियड है 2350 से 1750 ईस्वी का, यह है उस समय कौन सी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी. उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड आया वह 2000 से 600 ईशा पूर्व था. 2000 से 600 ईशा पूर्व का जो टाइम कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, वैदिक सिविलाइजेशन. वह कौन सा है, वैदिक सिविलाइजेशन है. वैदिक सिविलाइजेशन के दो पार्ट थे, एक तो ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन और दूसरा उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन था. ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वह 2000 से 1000 बीसी, 2000 से 1000 बीसी तक था. और जो उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन था जिसमें तीन वेदों की रचना हुई थी, तीन वेदों का फॉर्मेशन हुआ था, तीन वेद लिखे गए थे. कौन कौन से, देखो ऋग्वेदिक सभ्यता जो थी उसका टाइम पीरियड था 2000 से 1000 बीसी. इसमें ऋग्वेद की का जो लिखा गया, ऋग्वेद जो है वह लिखा गया था, ऋग्वेद की रचना की गई थी. और 1000 से 600 ईसा पूर्व में तीन अन्य वेद थे, कौन कौन से, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद. इन तीनों वेदों की जो रचना की गई थी इस काल में की गई थी, तो ये वैदिक सभ्यता कहलाती है, टाइम पीरियड मालूम पड़ गया. फिर आता है रामायण एंड महाभारत, भी वैदिक सभ्यता के समय ही थे. और अब उसके बाद का जो काल आता है महाजनपदाज का जो काल है वह जो टाइम पीरियड है वह कौन सा है, 600 जो बीसी है बिफोर क्रिस्ट से बाद का समय जो है वह क्या कहलाता है, छठी शताब्दी इसको कहेंगे अपन,
सिक्स सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, वहां से बाद का जो टाइम है 1206 तक का, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वैदिक महाजनपदाज कहलाता है। क्या कहलाता है? महाजनपदाज कहलाता है। तो अब महाजनपद कंसेप्ट को अपन क्लियर करना चाहेंगे, महाजनपदाज के बारे में रीड करेंगे। देखो टॉपिक क्या हो गया, महाजनपदाज। आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और वैदिक सिविलाइजेशन, इनमें जो पीपुल्स जो रहते थे उनकी जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर क्या था, उनमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर था, जैसे अपन क्या है, अपने स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर कंट्री है, इस प्रकार का सिस्टम था। और फिर हमारा फैमिली आता, देखो हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है फैमिली, फिर अपनी फैमिली के जितने भी भाइयों की सबकी मिला करके उसको अपन क्या कहेंगे, कुटुंब कहेंगे। फिर इस प्रकार कई भाइयों की फैमिली मिलकर के क्या बनता है, कुटुंब से कबीला बन जाता है ना, कबीले से फिर क्या बनता है, ग्राम बनता है, और ग्राम से क्या बनता है, विश्व बनता था। उस कंडीशन की बात करें, आजकल तो क्या बन रहा है, फैमिली, फैमिली से विलेज, विलेज से ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट, और स्टेट से फिर कंट्री, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। पहले क्या था, पहले फैमिली थी स्टार्टिंग में, फैमिली, फैमिली के बाद कुटुंब, ठीक है, फैमिली बनी, फैमिली ग्रुप ऑफ फैमिलीज क्या कहलाएगा, कुटुंब, कुटुंब के बाद कुटुंब से क्या बने, कबीला, कुटुंब कबीला बोलते थे ना, खूब सारे कुटुंब एक जगह हो जाए तो वो कबीला हो गया, और कबीले के बाद ग्राम, ठीक है। ग्राम का जो किंग जो होता था ना उस समय, उस समय छोटे छोटे थे, पूरा इंडिया इतना बड़ा नहीं था, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, ग्राम से का जो किंग जो होता था वह ग्रामीणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामीणी, ये ध्यान रखना, GRAMIN, जो ग्राम का जो किंग कहलाता था ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम का जो ग्रुप जो था वह क्या कहलाता, विश, ठीक है, और विश का ग्रुप जो है वह क्या कहलाता था भाई, जन, ठीक है। अब ये जन मतलब सबसे, इन सब में सबसे बड़ा ग्रुप क्या हो गया, जन का हो गया। जैसे अपने स्टेट्स है वैसे ही वहां पर उस समय क्या थे, जन थे, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में सिक्स सेंचुरी में क्या हुआ, महाजन पदों का फॉर्मेशन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मुख्य कारण यह था कि उस समय लोहे की खोज हुई थी, आयरन डिस्कवर्ड हुआ था, और आयरन डिस्कवर्ड होने से क्या हुआ, वहां पर कुछ मशीनें बनी, मशीन्स का डेवलपमेंट हुआ, मशीन्स डेवलपमेंट होने के बाद कई प्रकार के हथियार बने, और इस ये जो आयरन जो डेवलपमेंट जो डिस्कवर हुआ ना इंडिया में, कहां पर हुआ, बिहार के आसपास, अपने नॉर्थ इंडिया में हुआ। कहां पर हुआ? नॉर्थ इंडिया में। किसकी डिस्कवरी हुई भाई? किसकी? आयरन। आयरन डिस्कवर हुआ कहां पर हुआ? नॉर्थ इंडिया में। कहां पर हुआ? नॉर्थ इंडिया में ही हुआ। और नॉर्थ इंडिया में जब ये आयरन डिस्कवर हुआ तो ये जो जन पहले वाले ये जन थे ना, ये जन इन्होंने अपना जो साम्राज्य जो था, जो डायनेस्टी जो थी, वो बढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे कबीले वगैरह इनको लूट करके अपना खुद का बड़ा राज्य बन गया कि वहां तक तो मेरा डायनेस्टी है, वहां तक तो मेरा साम्राज्य है। और जब बड़े साम्राज्य हो गए तब इसको अपन क्या कहने लगे, महाजन। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। और जन का मतलब जो इनका जो ग्रुप था वह है, इनके ऊपर राजा। देखो फैमिली का ग्रुप कुटुंब, कुटुंब का ग्रुप कबीला, कबीला का ग्रुप जो होगा वो ग्राम, ग्राम का ग्रुप होगा विश, और विश का ग्रुप क्या हो गया, जन। ये इस समय का स्ट्रक्चर था प्राचीन एंशियंट इंडिया का, ग्लोरियस इंडिया का। और जन के बाद क्या बना भाई, महाजन पदाज बने, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, महाजन पदों की परिभाषा क्या है, ठीक है, समझ गया ना, महाजन पद कैसे बने। अब हम महाजन पदों की डेफिनेशन देखेंगे।
कि पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि महाजनपद का एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ, महाजनपद जो बने एस्टैब्लिश्ड हुए, ठीक है, कौन सी सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुए बताइए, एस्टैब्लिश्ड इन सिक्स्थ सेंचुरी बीसी भी इसको अपन कहेंगे बिफोर क्रिस्ट, समझ गए ना बात, सिक्स्थ जो सेंचुरी थी इसमें एस्टैब्लिश्ड हुए थे महाजनपद, आगे बात समझ में, कौन सी सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुए, सिक्स्थ सेंचुरी में, और इंडिया के कौन से पार्ट में महाजनपद एस्टैब्लिश्ड हुए, नॉर्थ इंडिया, किसमें हुए, नॉर्थ इंडिया, और आपको ये देखेंगे आप कि ये जो स्टेट्स थे इंडिया में, ठीक है, सेवरल स्टेट्स बने किसमें, नॉर्थ इंडिया में सेवरल स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड हुए सिक्स सेंचुरीज में, जो कि क्या थे भाई, लार्ज थे, इनकी क्या लार्ज और इंडिपेंडेंट थे, लार्ज इंडिपेंडेंट पावरफुल, तीन इनकी विशेषताएं थी पावरफुल, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में सिक्स सेंचुरीज में कई स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड हुए, ठीक है, जो कि क्या थे भाई, पावरफुल भी थे, जो कि इंडिपेंडेंट भी थे और जो कि लार्ज भी थे, इन स्टेट्स को ही क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं, इन स्टेट्स को क्या कहते हैं भाई, महाजनपद कहते हैं, तो डेफिनेशन आप देखिए, अब महाजनपदों की डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए आपको, डेफिनेशन पूछ लेंगे व्हाट इज महाजनपद, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, ये वो सेवरल लार्ज एंड सेवरल लार्ज एंड, देखो फर्स्ट पॉइंट तो याद रखना है, लार्ज एंड पावरफुल, सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड इन सिक्स्थ सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड महाजनपद आज वर कॉल्ड महाजनपद आज, आप डेफिनेशन एक बार बोल देंगे सेंचुरी में, इसमें कौन सी सेंचुरी में डेवलप एस्टैब्लिश्ड हुए थे, सिक्स सेंचुरी में बोलेंगे ना एक बार, साथ बोलते रहेंगे, बोलेंगे जरूर, बोलना जरूरी है ना, तो अगर नहीं बोलेंगे तो मैं पिटाई कर सकता हूं, ये ध्यान में रखना कि सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश्ड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया इन सिक्स सेंचुरी बीसी, और लिख लेंगे बीसीई बिफोर क्रिस्ट होता है बीसी, वर्कार्ड महाजनपदाज, वर्कार्ड महाजनपदाज, अब आपके दिमाग में बात आती होगी कि महाजनपदाज के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन कहां मिली, अपने को कैसे मालूम पड़ा भाई एंशियंट इंडिया में इस प्रकार का शासन था, महाजनपदाज बने थे सिक्स सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुए थे, तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इनके बारे में बता रखा है कि सिक्स सेंचुरी में भारत में या इंडिया में या एंशियंट इंडिया में महाजनपदाज एस्टैब्लिश्ड हुए थे,
उसी टेक्स्ट का नाम बताओ क्या है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट नाम बताइए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का आप नाम बताइए जिसमें किसका, जिसमें अपने को उससे अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है, बताइए, बता सकते हैं क्या? नहीं पता। अंगुत्तर निकाय। देखो दो टेक्स्ट थे जिनके द्वारा अपने को मालूम पड़ गया, तो बुद्धि टेक्स्ट के द्वारा और एक जैन टेक्स्ट भी है उनके द्वारा भी अपने को मालूम पड़ता है, जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा। आप लोगों से पूछे कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है या बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसके द्वारा अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 6th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में महाजन पदाज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो कौन सा है? आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का, एक मार्क्स का आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या नाम है भाई? अंगुत्तर निकाय। बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो क्या है? अंगुत्तर निकाय है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम महाजन पदों के बारे में अपने को सूचना मिलती है कि महाजन पद उस समय महाजन पद हुआ करते थे। कौन से बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय में। और जैन ग्रंथ भी है, एक जैन टेक्स्ट भी है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है इसमें भी महाजन पदों के बारे में बता रखा है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो है उसमें, आगे बात समझ में, महाजन पदों के बारे में अपने को किससे मालूम पड़ता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। अब अंगुत्तर निकाय जो है उसमें कितने महाजन पदों के बारे में बता रखा है? हाउ मेनी महाजन पदाज? 16। कितने महाजन पदों के बारे में बता रखा है? 16 महाजन पदों के बारे में बता रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ महाजन पद कितने हैं भाई? 16 महाजन पद है, ठीक है। अब ये जो महाजन पद हुआ करते थे उसमें कुछ में तो राजा, किंग जो थे ना वह उनके राजा होते थे, मतलब शासन करते थे वहां पर, डायनेस्टी उनकी चलती थी। और कुछ महाजन पद ऐसे होते थे जहां पर क्या था, जनता के द्वारा चुने हुए, जैसे अपन इंडिया में अब चुनते हैं ना सरकार को, वैसे ही वहां की जनता उसको चुनती थी। यानी कि कुछ महाजन पद में मोनार्क की जो व्यवस्था थी और कुछ महाजन पद जो थे वहां पर रिपब्लिक मैनेजमेंट था, रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। आगे बात समझ में। तो दो प्रकार के महाजन पदाज हैं, एक तो मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक, इनकी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से मोनार्की थे पहले 16 महाजन पद भी आप लोगों से याद करवाएंगे, और फिर अपन पहले ये देखते हैं कि जो महाजन पद जो थे उनमें कितने प्रकार के महाजन पद, उनको कितने भागों में डिवाइड करता है। एक तो वैसे जो मोनार्की थे, मोनार्की का मतलब जहां पर राजतंत्र था, और ऐसे महाजन पद जहां पर क्या था, गणतंत्र या रिपब्लिक शासन था वहां पर। आगे बात समझ में। तो उनकी हम देखते हैं, देखिए महाजन पदाज को दो भागों में डिवाइड करते हैं अपन, जहां पर जिस प्रकार का शासन था, महाजन पदाज। एक तो मोनार्की, मोनार्की किसे कहते हैं भाई बताओ? देखिए मोनार्की क्या होता है, कौन बताएगा? मोनार्कीज, और दूसरा रिपब्लिक। इसको हिंदी में आप राजतंत्र भी कहते हैं, आप समझ रहे हो ना, मोनार्की राजतंत्र, जहां पर राजा का शासन होता है, मोनार्की, और जहां पर रिपब्लिक, जहां पर जनता का शासन होता है, जनता चूज करती है इलेक्शन के द्वारा, अपना राजा खुद बनाती है, वो क्या कहलाता है? रिपब्लिक महाजन पद कहलाते थे। और मोनार्कीज कौन से? जहां पर किंग जो था वो वंशानुगत होता था, जेनेटिक होता था, ठीक है, एक जनरेशन का जो किंग था वही उसका जो सन जो था वो ही क्या बनता था भाई, वहां का किंग बनता था। तो यह जो सिस्टम है वह कौन सा सिस्टम कहलाता है? मोनार्की सिस्टम कहलाता है। और जहां पर जनता अपने हिसाब से किसी को भी अपना किंग चूज करती है,
उसको अपन क्या कहते हैं, रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं। तो महाजनपद जो थे उसमें दो प्रकार के सिस्टम थे, एक तो मोनार्की सिस्टम और दूसरा रिपब्लिक सिस्टम। अब कौन कौन से एग्जाम में आ गया कि मोनार्की, गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ मोनार्की महाजनपद आज, ठीक है, या ऐसे चार उदाहरण दीजिए जहां पर जिन महाजनपदाज में मोनार्की सिस्टम डेवलप था, ठीक है। तो कौन कौन से हैं आप बताइए, कौन कौन से हैं जहां पर महाजनपद जो था वहां पर कौन किस प्रकार की व्यवस्था थी, मोनार्की व्यवस्था थी। तो मैं बता दूं आपको कि उसमें कौशल मगध से वत्स अवंती, चारों में मोनार्की संधि, ऐसे याद कर सकते हैं आप। क्या लिखेंगे, कौशल मगध वत्स और अवंती, कौन कौन से चार इधर आप ध्यान में रखेंगे कि कौशल मगध वत्स अवंती, कौशल, कौशल मगध वत्स और अवंती, ये जो महाजनपद थे यहां पर कौन सी, कौन सा सिस्टम था यहां पर, मोनार्की। ये मोनार्कीज थे, यहां पर जो किंग बनता था वो जनरेशन के हिसाब से बनता था, एक किंग का जो सन था वही दोबारा उसका, उसके डेथ के बाद वह वहां का किंग बन जाता था। तो इस प्रकार कौशल मगध वत्स अवंती, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और इजी वे में याद करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कौशल मगध से वत्स अवंती और चारों में मोनार्की संधि, कैसे याद करेंगे भाई, कैसे याद कर सकते हैं, कौशल मगध से वत्स अवंती, बोलिए, कौशल मगध से वत्स अवंती चारों में मोनार्की संधि। कौशल, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पूछ लेंगे कि कहां पर मोनार्की सिस्टम था और कहां पर रिपब्लिक सिस्टम था। कौशल मगध से वत्स अवंती चारों में, तो कौशल मगध वत्स और अवंती इन चारों में क्या था, मोनार्की सिस्टम डेवलप था। अब हम करेंगे, चर्चा करेंगे किसके बारे में कि यहां रिपब्लिक मैनेजमेंट या रिपब्लिक सिस्टम कहां पर, कौन कौन से महाजन पद जो थे वहां पर, जहां पर रिपब्लिक सिस्टम डेवलप था, ठीक है, कौन सा सिस्टम डेवलप था, रिपब्लिक सिस्टम डेवलप था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो रिपब्लिक के कौन कौन से महाजनपद थे जहां पर रिपब्लिक सिस्टम था, कौन कौन से महाजनपद, देखिए, शाके, बुली, कोलिये, मल्लाज, लिच्छवी, बगाज, कालांश, मल्ला, मोरियाज और विदेह, यहां पर क्या था भाई, रिपब्लिक सिस्टम था। आपको याद रखना पड़ेगा, आप लोगों से पूछे कि शाक्य कहां के थे, शाक्य जो महाजनपद थे यहां पर रिपब्लिक सिस्टम डेवलपमेंट था, कौन सा डेवलप था, कौन सा सिस्टम था यहां पर, रिपब्लिक, ठीक है। कौन कौन से महाजनपद, रिपब्लिक महाजनपद कौन कौन से है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो रिपब्लिक में नंबर फर्स्ट पे क्या है, शाक्य है। शाक्य कहां के प्रसिद्ध थे भाई, कहां के फेमस थे, शाक्य कपिल वस्तु, कहां के शाक्य प्रसिद्ध थे, शाक्य कपिल वस्तु, याद रखना, आगे जो एग्जाम्स जो आते हैं उसमें भी पूछा जाता है, और आपके एग्जाम है टेबल आगे ना, शाक्य जो कहां से बिलोंग करते हैं, तो कपिल वस्तु, शाक्य कहां से संबंधित थे, कपिल वस्तु से। और ये जो बुल्लीज थे शाक्य के बाद, बुल्ली जो थे वह कहां के थे भाई, बुल्ली थे अलकप्पा के थे, क्या थे भाई, कहां के थे, अलकप्पा या अलकप, ठीक है, अलकप के थे, अलकप्पा के थे बुल्लीज। और कोलिये कहां के थे, कोलिये रामग्राम के, कोलिये थे, कोलिये रामग्राम, कोलिये रामग्राम, बुल्लीज अलकप्पा और मालाज पावा। जो मल जो थे वो कहां के थे, पावा के थे, इसको हम मल भी कहते हैं या मल्लाज भी कहते हैं, पावा के। और एक और देखिए, मल्लाज, पावा और कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा और पावाज में क्या थे, मल्लाज थे। यहां पर जो महाजनपद थे वहां पर रिपब्लिक सिस्टम था या रिपब्लिक महाजनपद ये कहलाते हैं, मल्लाज, पावा और कुशीनारा, याद रह जाएगा, मल्लाज दोनों तरफ देखिए, मावा और कुशीनारा, इसने पावा और कुशीनारा, मल्लाज, पावा व कुशीनारा जो थे वहां पर मल्लाज थे।
ठीक है। फिर लिच्छवी कहां के, लिच्छवी शासक पूछते हैं वैशाली के, कहां के थे वैशाली, लिच्छवी कहां पर शासन करते थे वैशाली में शासन करते थे। ये तो नाम है उस महाजनपद का, कौन से महाजनपद के शासक जो है लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी थे, यहाँ के जो लोग थे ना उनको लिच्छवी कहते थे, मल्ल कहां के लोगों को कहते थे पावा के लोगों को मल कहते थे, राम ग्राम के कोलिये कहते थे और अलकप्पा के बुलीस कहते थे और कपिल वस्तु के शाक्य कहते थे, उन लोगों के नाम होते जैसे कास्ट होते ना आजकल, वैसे शाक्य कहाँ के थे कपिल वस्तु के, बुल्ली कहाँ के थे अलकप्पा के, कोलिये कहाँ के थे राम ग्राम के, और मल कहाँ के थे पावा के, और लिच्छवी कहाँ के थे वैशाली के, लिच्छवी कहाँ के थे भाई वैशाली के थे। फिर या भाग या भगाज कहाँ के थे सुषमागिरी, भाग या भगाज किसके थे सुषमागिरी के थे, सुषमागिरी। और कालांश, कालाम कहाँ के थे भाई केशपुत, कालाम कहाँ के थे केशपुत के थे, कालाम केशपुत। फिर मल्लाज कहाँ के थे पावा और कुशीनारा, मौर्याज कहाँ के थे पिपलीवान, कहाँ के थे भाई मौर्याज मौर्य, कहाँ के थे पिपलीवन के थे, पिपलीवन पिपलीवन मौर्याज। और विद्य है मिथिला, मिथिला के क्या थे विद्य है, कहाँ के थे भाई मिथिला के थे। इस प्रकार से यहां पर रिपब्लिक सिस्टम था, ये रिपब्लिक महाजनपद थे, इनको याद करना कल मैं पूछूंगा, ठीक है। रिपब्लिक महाजनपद जो थे उनके एग्जांपल्स आपको याद करना है, शाक्य कपिल वस्तु, शाक्य कपिल वस्तु याद रह जाएगा, शाक्य कपिल वस्तु, बुल्ली अलकप्पा, बुल्ली अलकप्पा, गोलगप्पा खाने चली बुल्ली, बुल्ली अलकप्पा, गोलगप्पा याद मत करना अलकप्पा है, कोलिये रामग्राम, मल्लाज पावा, और मल्लाज कहाँ के थे मल कहाँ के निवासी थे पावा और कुशीनारा, पावा कुशीनारा, पावा कुशीनारा मल हो गया। लिच्छवी कहाँ के थे भाई वैशाली के। फिर बगाज सुषमागिरी है ना, सुषमागिरी और बागी, सुषमागिरी बगाज, और कालाम केशपुत्ता, देखो दोनों के राशि मिल रही है कालाम केशपुत्ता के कालाम केशपुत, ठीक है। फिर मौर्या पीपलीवन, पीपली में मौर्या बोले, मौर्या पीपलीवन के याद रह जाएगा, मौर्या पीपलीवन। और विदे है मिथिला, विदे है मिथिला के थे विदे है। इस प्रकार ये रिपब्लिक क्या थे महाजनपद थे, रिपब्लिक महाजनपद और मोनार्की महाजनपद के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। मोनार्की का एक बार रिवीजन कर दीजिए, कौशल मगध से वत्स अवंती, चारों में मोनार्की संति। ये थी क्लास हमारी महाजनपद व उनकी सिस्टम के बारे में, महाजनपद क्या है और कितने सिस्टम यहाँ पर डेवलप थे, एक तो मोनार्की सिस्टम और दूसरा रिपब्लिक सिस्टम, इनके एग्जाम्पल्स देखे। अगली क्लास में हम 16 महाजनपदों को आपको इजी वे में याद करवाएंगे। धन्यवाद।